हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से लेकर आया गई हूँ एक वर्कशीट क्लास थ्री के लिए, जो कि मैथ्स की वर्कशीट है। सबसे पहले क्वेश्चन है, नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज एंड नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज, विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैं चैप्टर टाइम डेट और मंथ वाले, जो कैलेंडर वाला चैप्टर होता है उसमें से है, और ये थर्ड क्लास का है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के जो माइंड सेटअप है वो चेंज करना है, आपको सिखाना है बच्चे को कि किस तरीके से ये एक्सरसाइजेस करनी है। देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सब एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज ही ये जो वर्कशीट्स तैयार किए हैं चैप्टर वाइज की हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो करवाने में और बच्चा आसानी से कर पाए। और ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड किए हैं। फिर उसके बाद है, नेम द मंथ्स इन विच दिस फेस्टिवल फॉल्स। रिपब्लिक डे कब आता है, मंथ्स बताना है आपको। इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, देन राइट द फॉलोइंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे 16 जुलाई 1971 है तो 16 जुलाई कौन सा महीना है वो लिखना है। उसके बाद 1971, ठीक है। जैसे जून हमारा 6th मंथ होता है, जून के बाद जुलाई आता है, तो 16.7.1971, ठीक है। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कराएंगे। फिर उसके बाद है, राइट द फॉलोइंग डेट्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये वाली डेट्स तो इस तरीके से लिखनी है और ये वाली डेट्स आपको इस तरीके से लिखनी है, मतलब ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है। फिर उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे, द लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक मेजर्स, मतलब लॉन्ग हैंड क्या करती है, शॉर्ट हैंड क्या मेजर करती है। आप बच्चे को जब आप टाइम पढ़ा रहे हैं तो आपके बच्चे को ये सब पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है, हाउ मैनी मिनट्स विल द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम, मतलब 12 से 1 तक जाने में उसे कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट लिखते हैं। 12 से 4 तक जाने में कितने मिनट लगते हैं, उसे 20 मिनट लगते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को मिनट के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स, आप ये देख सकते हैं मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करे हैं तैयार। देयर आर डैश मिनट्स इन 1 आवर, द आवर हैंड टेक्स इतने आवर्स, मतलब इस तरीके से आप बच्चे को करा सकते हैं। देन राइट द फॉलोइंग टाइम इन नंबर्स, आपको जितने भी ये 4:30 है आपको इसको नंबर्स में लिखना है, ठीक है। 20 मिनट्स past 6, 6:20, 1:45, 1:45, इस तरीके से आपको नंबर्स में लिखवाना है। देन राइट द फॉलोइंग टाइम्स इन वर्ड्स, अब जैसे इनको तो क्या करना था, आपको इनको नंबर्स में लिखवाना था, मतलब इस तरीके से लिखवाना था। अब आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इस तरीके से लिखवाना है, ठीक है। ये तरीके, ये एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे का जो माइंड सेट है आपको पता चल जाएगा कि उसके उसको समझ में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट है आपका, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर्स ओनली। बच्चे को आपको बताना है कि ये फिगर्स में किस तरीके से लिखा जाएगा, 55 रुपीज़ 25 पैसा, ये किस तरीके से लिखा जाएगा वो आपको बताएगा उस तरीके। ये एक्सरसाइज पूरी है, ठीक है, ये आपको फिगर्स में लिखवानी है। फिर उसके बाद ये वर्ड्स में लिखना है, मतलब यहाँ ये वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरह फिगर्स में लिखना है। और इसमें क्या करना है, ये फिगर्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, मतलब इस तरीके से लिखना है। उसके बाद है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसा। आपको इसमें पैसे में कन्वर्ट करना, बच्चे को कन्वर्ट आपको करना सिखाना है कि कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आती है, अरेंज एंड ऐड द फॉलोइंग। ये बच्चे को अरेंज करना सिखाना है आपको, क्योंकि आपका बच्चा थर्ड क्लास में आ गया है। और फिर उसके बाद ऐड करना सिखाना है, डेसिमल वाले सम है। उसके बाद है, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। बच्चे को इस तरीके से क्वेश्चंस आया करेंगे एग्ज़ाम में, मतलब दिस नंबर फ्रॉम दिस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चे को कॉलम में अरेंज करना आना चाहिए और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना। देन उसके बाद, लुक एट द कैश मेमो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये एक मैंने कैश मेमो बनाया है और इसमें बच्चे को फिर इसके क्वेश्चंस देने हैं, जैसे हाउ मैनी बैट्स वर परचेज्ड, कितने बैट्स परचेज किए हैं उसने, 2 किए हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टेडी बियर, एक टेडी बियर की कॉस्ट कितनी है, टेडी बियर ये है, क्वांटिटी ये दे रखी है, और रेट पर आइटम, मतलब एक की कॉस्ट इतनी है, 3 की आपको बतानी पड़ेगी, मतलब एक की कॉस्ट ही क्वेश्चन में पूछा है तो वो आपको बताना है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, 300 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट यूनिट फ्रॉम द बॉक्स टू मेजर द फॉलोइंग लेंथ। ये आपको यूनिट्स दे रखी हैं और इसमें आपको लिखना है कि किस चीज़ को हम किस तरीके, कौन सी यूनिट में हम मेजर करते हैं। इस तरीके से आप बच्चे से ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी ये एक्सरसाइज, राइट यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द फॉलोइंग लीटर्स इन फॉलोइंग, लीटर्स में या फिर मिली लीटर्स में आपको बताना है, बच्चा एक्सरसाइज करेगा। फिर अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, सेम है,
लीटर और मिलीलीटर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को सिखाना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, आप देख सकते हैं। आप बच्चे को इस तरीके से करवाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, इसमें केजी और ग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी है और उसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। और अब ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ किलोमीटर इनकी लिखनी है, ये फिलअप फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बच्चे को बताना है। क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं कोई भी, तो आप उसकी यूनिट ज़रूर बताते हैं और बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट ज़रूर बताते हैं। यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से करवाई जाएंगी। फिर उसके बाद बारी आती है ये फ्रैक्शन वाले सम्स की। ये देखिए ये फ्रैक्शन है, शेड द फिगर्स दैट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन, इस तरीके से आप फ्रैक्शन दे सकते हैं। अब आपको ग्रेटर देन और लेस देन करवाना है बच्चे को, तो आप बच्चे को बताइए कि फ्रैक्शंस में किस तरीके से आप ग्रेटर देन और लेस देन करवाते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर है और सॉल्व करना है बच्चे को, यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आती है फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पे माइनस करना सिखाना है बच्चे को। और यहाँ पर है कलर द स्क्वायर्स टू शो द करेक्ट आंसर, जब बच्चा एडिशन करना सीख जाएगा तो वो आराम से करके इसमें कलर कर देगा कि कितना आपका आंसर आया है। नॉट टिक द करेक्ट आंसर, ग्लोब का जो सरफेस होता है वो किस तरह का होता है, बर्फी का, मिरर का, ये आप करवाइए। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद है लुक एट द फिगर, और इसमें उसके नेम भी देने हैं, तो ये देखिए आप किस तरीके से आपको करवाना है। ठीक है, जैसे एनी फाइव पॉइंट्स हैं, फाइव पॉइंट्स आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी एफ जी सी डी, वन लाइन, वन लाइन कौन सी है आपसे, ए डी, ए डी आपकी एक लाइन है। दो रेज कौन सी हैं, आप रेज बता सकते हैं, जैसे कि आपकी है बी ई और बी जी, ये आपकी दो रेज हो गई। दो लाइन सेगमेंट जैसे कि एफ जी और सी डी, ये आपकी क्या हो गई, दो लाइन सेगमेंट हो गई। इस तरीके से आप अपने बच्चे को मैथ्स की जो वर्कशीट्स हैं वो करा सकती हैं। अगर आपके लिए ये वाला जो वीडियो है ये हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।